गर्मी अभी से ही अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया है। अभी तो गर्मी का आगाज भी पूरा तरह नहीं हुआ है, लोगों का घर से निकलना भी मुश्किल हो गया है। जी हाँ, आप जहाँ बात कर रहे हैं, हम आपको दिल्ली में खड़े हैं। यहाँ पे गर्मी करीबन 47 डिग्री सेल्सियस हो चुकी है। यहाँ पे लाइट की व्यवस्था भी बहुत कम है। कई इलाकों में ऐसा हुआ है कि पिछले दो दिनों में लाइट 24 घंटे नहीं रही है। लोगों का जीना बहुत मुश्किल हो गया है। गर्मी इतनी पड़ रही है जिसमें कि लाइट ना रहने से लोगों को पानी के लिए भी तकलीफें हो रही हैं। बहुत सारे तकलीफें झेलना पड़ रहा है। आइए मिलते हैं कुछ लोगों से। तो आइए मिलते हैं कुछ लोगों से, वो अपना बताएंगे हालात और क्या चल रही है यहाँ गर्मी के सीज़न में, कैसे लोग रह पाते हैं और कैसे नहीं रह पाते हैं। सबसे पहले चाचा अपना नाम बताएंगे। हाँ, नाम बताइए अपना। मेरा नाम कपूर सिंह। कहाँ रहते हैं आप? 22 में, सेक्टर 22 में रहते हैं आप। अभी की दिल्ली में जो गर्मी चल रही है उसकी क्या हालात है, कुछ बताएंगे? गर्मी में आप लोग कैसे जी रहे हैं, कैसे रह रहे हैं? क्या बताएंगे कि मैं किराए का कमरा है उसमें रह रहे हैं, पंखा तो लगा ही लेते हैं लेकिन पंखा में कोई आराम है आजकल? पंखा में कोई आराम नहीं मिल रहा है। पंखा लगाने के बाद भी आप लोग गर्मी से मतलब तूल रहे हैं? तूल रहे हैं। और आपके बच्चे सब यहीं रहते हैं? हाँ सब। गर्मी में उन्हें कोई दिक्कत नहीं होती है, पंखा नहीं है तो? अब दिक्कत क्या है, पड़े तो हैं ये जंगल में। अच्छा ये बताइए जैसा कि आपके मोहल्ले में लाइट की व्यवस्था मतलब अभी चल रही है, क्योंकि कई इलाकों में लाइट की व्यवस्था बहुत गड़बड़ चल रही है। लेकिन बहुत कम ही चल रही है। लाइट पूरी तरह से मिल रहा है कि नहीं आप लोग? नहीं नहीं, वही सही वह हिसाब से नहीं मिल रही लाइट, आप लोग नहीं मिल रहा। और इतनी गर्मी पड़ रही है फिर भी आप लोग जी रहे हैं, मतलब जीने में कोई तकलीफ तो होती होगी? बहुत तकलीफ है, अब ये गर्मी में तकलीफ तो है ही है। तो सबसे पहले भैया अपना नाम बताएंगे आप? दीपक। दीपक नाम है। आप कहाँ रहते हैं? उन्नाव। उन्नाव में। क्या अभी कहाँ रह रहे हैं आप? अभी तो यहीं नोएडा। नोएडा में रहे? किस सेक्टर में रहते हैं आप नोएडा में? आज ही आया हूँ। अच्छा आप आज ही आ रहे हैं, तो आपके आपने अभी भी बताया कि आप उन्नाव में रहते हैं, अभी दिल्ली में आए हैं, तो वहाँ की गर्मी और यहाँ की गर्मी में कुछ अंतर लग रहा है आपको? हमें तो हमेशा गर्मी में ही जीना पड़ता है क्योंकि भाई मैं ड्राइवर बनता हूँ। वो तो खैर ठीक है, ड्राइवर बनते हैं, लेकिन क्या गर्मी यहाँ ज़्यादा पड़ रही है कि आपके यहाँ ज़्यादा पड़ रहा था? वैसे हमारे हिसाब से तो उधर ज़्यादा गर्मी है, यहाँ थोड़ा माहौल सही है। बाबू तुम्हारा नाम क्या पड़ेगा? सलमान। सलमान नाम पड़ेगा। अभी गर्मी पड़ रही है काफ़ी? हाँ। इस गर्मी में भी तुम काम कर रहे हो, देख रहे हैं कि ये गाड़ी चला रहे हो जो एक बच्चे के बस का नहीं है, लेकिन फिर भी ये काम कर रहे हो बड़ी गर्मी में, तुम्हें कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है काम करने में। और कहाँ रहते हो? नठाड़ी। नठाड़ी में रहते हो। क्या वहाँ लाइट आ रही है? पूरी लाइट रह रही है। क्या तुम पंखा चला पा रहे हो? अच्छे से रह रहे हो वहाँ पे? हाँ। तो चाचा अपना नाम बताएंगे? अब्दुल भाई। अब्दुल भाई आप कहाँ रहते हैं? सेक्टर 10। सेक्टर 10 में रहते हैं। तो क्या यहाँ आपके सेक्टर 10 में बिजली मतलब हर दिन मिल रहा है, बढ़िया से मिल रहा है, ऐसा नहीं ना कि जो कट रही है बिजली? बिजली तो सही मिल रही है लेकिन 3 दिन से धूप ज़्यादा पड़ रही है। 3 दिन से धूप ज़्यादा पड़ रहा है, बिजली सही मिल रही है ना? तो बताया जाता है कि जब सरकार में बदलाव होती है, और सरकार कई बार बदलाव होते समय बोलते हैं सरकार की हम बदलेंगे तो कई तरह की सुविधा दी जाएगी, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी हो गया, पानी का हो गया। तो क्या अभी ऐसा स्थिति जो चल रही है क्या कहना चाहेंगे आप? स्थिति पानी की तो अब हमारे यहाँ तो लगाया है। खैर पानी लगा है आपके यहाँ? लगाया है, पानी लगा है आपको। और अन्य लोग भी रहते होंगे जो गर्मी से बचने के लिए जो अभी का बिजली जो कट रहा है, बार बार कट रहा है, बार बार आ रहा है, इसके वजह से लोग पानी स्टोर करना स्टार्ट कर दिए होंगे? हाँ बहुत थोड़ा बहुत। लोग स्टोर भी किए होंगे आपके इलाके में? हाँ। आपने भी शायद इसके पहले किया ही होगा? अभी अभी आपने देखा कि लोगों से हमने बात की, वो कितने लोग परेशान है गर्मी की वजह से लेके, लेकिन आपको बता दें कि गर्मी से बचने के लिए दिल्ली के कई इलाकों में पानी की भी कमी हो जाती है, और लोग पानी स्टोर करना शुरू कर देते हैं, लेकिन वो और भी ज़्यादा खतरनाक हो जाता है, क्योंकि पानी स्टोर करने से टाइफाइड, डायरिया और पेट के अन्य बीमारी भी होना शुरू करते हैं, क्योंकि गंदे पानी से सब बीमारियाँ होना शुरू हो जाता है। और वही आपको बता दें कि कट कर दो।